So let's begin with the word energy. So what all you know about energy? Energy के बारे में आपने क्या पढ़ा था? क्या क्या मालूम है energy के बारे में? Let's start with that. सर हम कितने टाइम में कितना वर्क करते हैं? Oh my God, that is power. Oh sorry. Any statement which you remember from past in your studies in energy? Force multiplied by displacement. That is work. Sir, work भी तो energy होता है ना? Yes, kind of. Actually, work is energy transferred. Okay. No one remembers anything from energy word. एनर्जी वर्ड कभी पढ़ा ही नहीं क्या? पढ़ा था ना जूनियर क्लासेस में? सर एबिलिटी टू वर्क. एबिलिटी टू वर्क. ओके क्लोज है. व्हाट वी हैव स्टडीड इन जूनियर क्लासेस वाज कैपेसिटी टू डू वर्क. वर्क इज व्हाट एनर्जी एंड देयर इज इक्विवेलेंस बिटवीन वर्क एंड एनर्जी वी हैव स्टडीड इन जूनियर क्लासेस राइट. बट एक्चुअली अभी जब आप पढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी. आपको मालूम चलेगा एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क जो हमने पढ़ा था राइट. बट अभी बोलो वर्क का डेफिनेशन जो प्रॉपर डेफिनेशन है वर्क का. वर्क का डेफिनेशन नॉट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क इज एनर्जी ट्रांसफर्ड. आप ऐसा पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये मजाक हो रहा है आपके साथ है? ये वाली बात होगी राम कहा रहता है श्याम के सामने, श्याम कह रहता है राम के सामने, दोनों कह रहे थे आमने सामने राइट. तो ये वैसा वाला जोक हो जाएगा. सो एनर्जी इज व्हाट कैपेसिटी टू वर्क एंड वर्क इज व्हाट एनर्जी ट्रांसफर्ड. तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा. तो एनर्जी के लिए एक बेटर स्टेटमेंट है हमारे पास. लेट्स सी व्हाट इट इज. सी फर्स्ट थिंग एनर्जी वर्ड की जरूरत नहीं थी. बिना एनर्जी के भी सारा काम हो रहा था. हम फोर्स एग्जर्ट कर रहे थे. हम फोर्स एग्जर्ट कर रहे थे एंड मोशन हो रहा था, एक्सेलरेशन हो रहा था राइट. इतना फोर्स लगाने से इतने टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा था. एनर्जी वर्ड की कहीं जरूरत नहीं थी. पिक्चर में एनर्जी नहीं आ रही. बट स्टिल एनर्जी वर्ड कई चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए एक वर्ड नया इंट्रोड्यूस किया एनर्जी एंड कुछ लॉजिक के साथ. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट लॉजिक इज राइट. सो एनर्जी वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए Let's take a explanation from our real life. हमारे real life में if I say my net worth is, मैं एक word use करता हूँ net worth. Net worth word use करता हूँ तो मेरा net worth में क्या आएगा? Practical question है. When I say my net worth is 10 lakh rupees, what does it imply? या what does it include? Hello. Only income. My income will not be included in my net worth. Huh? My bank balance, right? What is there in my bank that will be considered as net worth? Then my property values. Maybe I own a house, right? I own a house. The value of that house will be counted in my net worth, right? My money held in my bank accounts that will be counted into my net worth, right? Again, there's a question mark. I claimed that I have a house in my town, and that cost is a house I own in a town, and I say its prices, yeah, its cost is maybe 20 lakh rupees, right? So what made me say that it is 20 lakh rupees, or who decides that it is of 20 lakh rupees? Trust me, just think on it, because this has directly something to do with energy. Energy word also comes similar way as my net worth comes from. जैसे मेरा net worth आने वाला ना वैसे ही energy word आने वाला. So इस पर सोचो आप. What who says that it is? कैसे decide होगा कि this house is valued at rupees 20 lakh? कैसे पता चलेगा?
से और इफ आई कैन से दिस इज ऑफ 200 करोड़ इट्स वर्थ इज मोर देन ताजमहल तो ऐसा चलेगा क्या सर चल सकता है ना कैसे चलेगा कुछ रूल नहीं है कुछ नहीं है सर जितना पैसे लगे होंगे बनाने को उतने ले सकते राइट कितने पैसे उसको बनाने में लगे होंगे दैट इज अ रूल अगर ये बिल्डिंग उठा के मैं कहीं गांव में रख दूं या किसी सिटी एरिया में रख दूं तो उसकी प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू बदल जाएगी राइट राइट इसका डिजाइन कुछ क्राइटेरिया होंगे राइट कुछ क्राइटेरिया होंगे साइज ऑब्वियसली मेक्स अ डिफरेंस प्लॉट का एरिया और सब डिफरेंस तो कुछ रूल्स बने हुए होंगे कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं जिसके हेल्प से प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होता है ऐसे नहीं है कि मेरा मूड हुआ मैं सो के उठा मैंने कहा आज से मेरी प्रॉपर्टी 100 करोड़ की और मैंने फिर लिख दिया उसको 10,000 करोड़ और बोल दिया अंबानी से मांगा तो ऐसा नहीं हो सकता राइट तो देर आर सम रूल्स विच डिसाइड द प्रॉपर्टी वैल्यू ठीक है बैंक में आपके बैलेंस है वहां क्या बैलेंस है क्या है वहां पर कुछ सामान रखा हुआ है नहीं सर नो सर एक्चुअली वहां पे आपके नाम का एक बैंक अकाउंट है और आपका ही नहीं बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अलग अलग टाइप के अकाउंट है एक ही आदमी के अलग अलग अकाउंट भी होते हैं राइट अलग अलग टाइप के अकाउंट होते हैं सेविंग अकाउंट होता है राइट देन करंट अकाउंट होता है रिकरिंग अकाउंट होता है बहुत टाइप होते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है एफडी अकाउंट राइट तो डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स आ जाए एक ही आदमी के और अलग अलग लोगों के भी अलग अलग अकाउंट्स होते हैं राइट ओके देन व्हाट इज बैंक बैलेंस आपके अकाउंट में एक नंबर एंट्री होती है कोई ऐसा फिजिकल चीज ऐसा कुछ नहीं है कि आपके नाम का एक लॉकर होगा वहां ले जाके मुझे कुछ करेंसी डालना ऐसा कुछ भी नहीं होता राइट व्हाट इज देयर अ नंबर इज एंटर्ड इन माय अकाउंट एक नंबर है जो एंटर कर दिया राइट हेलो हाँ वो एक नंबर वहां पे एंटर किया उससे ज्यादा वहां पे कुछ भी नहीं है फिर अगर इफ आई वर्क फॉर अ मंथ इफ आई वर्क फॉर अ मंथ देन एट द एंड ऑफ द मंथ दिस नंबर चेंजेस ये नंबर चेंज हो जाता है नहीं एट द एंड ऑफ द मंथ दिस नंबर चेंजेस नेचुरली दिस विल इंक्रीज इफ आई वर्क फॉर समवन then this number will increase and jitna mere mein increase hoga kisi aur ke ek account mein decrease hoga nahi yes sir jo yes, number sir. mere mein increase hua the yes. same number will be decreased from someone else's account right okay if I don't work I spend something then this number will decrease aur kisi aur ke isme utna increase this number will decrease kisi aur ke account mein utna hi number इंक्रीज हो जाएगा राइट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस अगर दुनिया में एक ही बैंक होता राइट तो आपको नहीं लगता टोटल मनी ऑफ दिस वर्ल्ड वुड बिकम कॉन्स्टेंट बस होता क्या एक के अकाउंट से निकल के दूसरे में जाता जितना यहां से इसमें आता था उतना इसमें जाता हमारे ही एक अकाउंट से निकल के दूसरे अकाउंट में मेरा एफडी मैच्योर हो गया मैंने उसको सेविंग्स में डाल दिया सेविंग्स में से कुछ निकाल के रिकरिंग में डाल दिया मैं अपने ही एक अकाउंट से निकाल के दूसरे में डाल सकता हूँ या मेरे अकाउंट से निकल के वो पैसा दूसरे के अकाउंट में जा सकता है राइट बट टोटल मनी ऑफ दिस वर्ल्ड वुड बिकम कॉन्स्टेंट राइट यस सर राइट ना क्वेश्चन मार्क इज क्या ये वर्ल्ड करेंसी बैंक इन सब की जरूरत थी इसके बिना काम नहीं हो रहा था व्हेन बैंक्स वर नॉट देयर इन दिस वर्ल्ड और अर्थ डू यू थिंक पीपल वर नॉट डूइंग बिजनेस और दे वर नॉट लिविंग एट ऑल ओह सर दे वर डूइंग और सर कर रहे थे लेकिन एक दे वर डूइंग दिस करेंसी की जरूरत थी ताकि प्रॉपर एक्सचेंज हो सके प्रॉपर सिस्टम प्रॉपर एक्सचेंज हो सके चीजें बिजनेस इजी करने के लिए राइट सो दिस वर्ड वाज बार्टर सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम होता था ना हां तो उसमें
प्रॉब्लम इसमें भी होता है बेटा, प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि ये इसमें इस बिजनेस में प्रॉब्लम रहता, प्रॉब्लम तो यहाँ भी होता है, बट ठीक है पहले से ज्यादा सिंप्लीफाइड है, चीजें थोड़ी आसान है, राइट। सो अब चलते हैं वर्ड एनर्जी पे। सो एनर्जी वर्ड वॉज नॉट नीडेड, एनर्जी के बिना भी काम सारे हो रहे थे, फोर्स जैसे पहले जैसे आप शॉपिंग करते, शॉपिंग कौन करता है, हु डज द शॉपिंग, कोई भी कर सकता है। अब जानवर तो बेटा नहीं करेंगे, अब सामान तो नहीं करेगा शॉपिंग, करेंगे तो ह्यूमंस, राइट। इन अवर डेली लाइफ ह्यूमंस डू द शॉपिंग, राइट। जैसे आप कह लो, लेट अस से वन ऑफ यू अभिषेक, अभिषेक इज गोइंग टू शॉप समथिंग, राइट, फॉर शॉपिंग। तो क्या ऐसे जाके कुछ भी उठा के लेके आओगे, नहीं ना, व्हाट यू डू इज यू स्पेंड समथिंग, व्हाट देंगे और उसके पैसे देंगे मनी, राइट। So you pay something, you give some money, and the exact amount of, मतलब जितना आप पैसा दोगे उतने का वो आपको सामान मिलेगा, right? Goods worth the amount you pay will be given to you, right? So you pay some money and the equivalent amount of goods will be given to you. Okay? ऐसा ही होता है ना कुछ? Yes sir. हाँ, तो force है कुछ work करेगा, but वो वर्क मतलब दो चीज, ये एजेंसी हो गया, एजेंसी हो गया, एंड दिस इज द एक्सचेंज सेक्टर, दिस इज एक्सचेंज सेक्टर। तो वर्क करने के लिए, कुछ काम करने के लिए फोर्स विल एक्ट एज एजेंसी, बट उसके बदले में कुछ, जैसे यहाँ पर पैसे दे रहे थे वैसे कुछ चीज ऐसा कुछ चाहिए थी यहाँ पे, तो दैट वर्ड वॉज एनर्जी, राइट। अब चलते हैं एनर्जी का। सो एनर्जी इज वॉट, एनर्जी इज ए नंबर, जैसे करेंसी है, जैसे आपका बैंक बैलेंस है, वो क्या है, एक नंबर है आपके अकाउंट में एंट्री कर दिया, वैसे ही एनर्जी इज अ नंबर एसोसिएटेड टू, एनर्जी इज अ नंबर, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, विच इज एसोसिएटेड टू एन ऑब्जेक्ट और system of objects by some rules using some rules. So I'll read it again. Energy is just a number which is associated to an object or a system of objects, matlab two or more than two objects, using some definite rules. अपनी मर्जी से नहीं है, जैसे ये अर्थ है, अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अपनी मर्जी से नहीं, आपने आके बोला इसकी एनर्जी 100, मैंने आके बोला इसकी एनर्जी 500, एक ने बोला, ऐसा नहीं, कुछ रूल्स है, कुछ रूल्स बनाए, जैसे घर का होता है, मैं कुछ रूल्स है, ऐसे कोई भी घर का वैल्यू अपना कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। सो एनर्जी भी हमने एक नंबर है, एक ऑब्जेक्ट से एक नंबर एसोसिएट कर दिया, या तो सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट है उससे एक नंबर हमने एसोसिएट कर दिया, राइट। हेलो, यस सर। सो इफ देयर इज अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट, सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, या तो देयर इज एन आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स मूविंग विद सम स्पीड, तो वो कुछ मूव कर रहा है, तो मैंने इस अकेले ऑब्जेक्ट के लिए कुछ एक रूल है, उस रूल के हेल्प से उसको एक नंबर असाइन कर दूं, राइट। So a number is assigned to it. That number is known as energy. Trust me, बहुत अजीब सा ये statement लग रहा है आपको, but reality में ऐसा ही है, right? So कुछ numbers assign कर दिया हमने. That energy is we call it energy number, right? अब होगा क्या? जैसे ये एक object है. इस object के ही अलग-अलग type के account होते हैं, energy account. इसी के एक ही ऑब्जेक्ट के बहुत सारे अलग अलग एनर्जी अकाउंट होंगे, जैसे मास एनर्जी अकाउंट, काइनेटिक एनर्जी अकाउंट, पोटेंशियल एनर्जी अकाउंट, राइट, हीट एनर्जी अकाउंट, थर्मल एनर्जी अकाउंट, ऐसे करते करते एक ही आदमी एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग एनर्जी अकाउंट्स होते हैं, बट एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग एनर्जी अकाउंट्स होते हैं, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, दिस इज येट अनदर ऑब्जेक्ट, इस दूसरे ऑब्जेक्ट के भी अलग अलग एनर्जी अकाउंट्स होते हैं, राइट।
यस सर यस सर हेलो तो होता क्या है जब भी फोर्स एक्ट होता है एक ऑब्जेक्ट पे एंड कुछ चेंज आता है तो हम लोग बोलते हैं उसका एनर्जी नंबर चेंज हो गया तो व्हेन फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट एंड चेंजेस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम changes the configuration of system or changes the object maybe speed of object yeah aisa kuch bhi ho sakta hai position ya sab we say energy number has changed we say energy number of the object or system of object changes क्या आपके दिमाग में जा रही बातें बहुत रिलेट कर पा रहे हो बहुत इंटरेस्टिंग है इस एक्सप्लेनेशन हेलो यस सर यस सर सो Energy is what? Energy is just a number associated with an object or system of object, right? Depending on certain factors. There are some definite rules with the help of which we assign those numbers. It's not like you, anyone will come and assign any number to anything, right? Okay. Then how does this number changes? When force acts on the object and changes the configuration of system or changes the object in some way, maybe speed of the object, we say energy number of the object or system of object changes right yes sir and the rules which are used to assign the energy number or which are used to decide the change in the energy number are certain there are certain definite rules which will help you assign the energy number to any object or to measure the change in the energy number in a process right there are certain rules there are certain rules used to assign energy numbers to an object or to find change in energy number of the object in a process theek hai aisa apni marzi se kuch bhi nahi kar sakte hum There are certain rules, right? उसकी स्पीड इतनी है तो उसका काइनेटिक एनर्जी नंबर इतना है right? उसकी स्पीड इतनी है मास इतना है तो एनर्जी नंबर इतना है और से उसकी डिस्टेंस इतनी है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी नंबर इतना है तो देर आर सर्टेन रूल्स राइट अपनी मर्जी से हम कुछ भी नहीं करेंगे All right? Yes, sir. आरी बात समझे ना हाँ बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज जैसे मैंने बोला वहां पे एक ही बैंक होता दुनिया में तो उसके अंदर जितना भी पैसा था मनी था वो सब टोटल जो होता वो फिक्स रहता बस एक के अकाउंट से दूसरे में जाता रहता था या एक अकाउंट से निकल के दूसरे अकाउंट में जाता रहता यहाँ भी ऐसे ही होता है टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट It only changes from one form to another or is transferred from one object to another. Right?
जैसे पैसे हैं, पैसे हमारे एक अकाउंट से हमारे दूसरे अकाउंट में जा सकते हैं या एक आदमी के अकाउंट से दूसरे आदमी के अकाउंट में जा सकते हैं, वैसे ही एनर्जी भी है। एनर्जी के ढेर सारे अकाउंट हैं, वो एक अकाउंट से निकल के, एनर्जी अकाउंट से निकल के दूसरे अकाउंट में, सबने बचपन से पढ़ा हुआ है, इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ, इफ ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल्स देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो उसकी एनर्जी उसी के पास है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी, राइट? यस सर। हेलो। यस सर। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी ट्रांसफर हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में भी ट्रांसफर हो सकता है, राइट? ओके। तो एनर्जी बिल्कुल आपके नेटवर्क्स की तरह ही होता है, राइट? आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो, बिकॉज इट्स रियली डिफिकल्ट टू इमेजिन व्हाट एनर्जी इज। मुझे नहीं मालूम जिसने भी बनाया था क्या सोच के कहां से स्टार्ट किया था, बट उसका एसेंस जो है, जो मेन चीज है, वो किस पे लाई करता है ना, ये लास्ट वाला स्टेटमेंट, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, राइट? इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर और इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। सोचो अगर करेंसी अगर कॉमन कॉन्स्टेंट ना हो, पूरे इंडियंस के पास मिला के जितने रुपीज है वो कॉन्स्टेंट ना हो, सब अपने घर में मशीन रख के प्रिंट करते जाए करते जाए, तो फिर काय का करेंसी, काय का पैसा, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। देर इज नो यूज ऑफ द वर्ड मनी, राइट? रुपीज का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, घर गए जितना प्रिंट करना कर लिया, तो वो टोटल मनी जो है वो कॉन्स्टेंट है। दैट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच वी आर एबल टू डू बिजनेस विद द हेल्प ऑफ इट, राइट? अगर सब अपने घर घर से लेके आते थे जितना लिख के लाना, तो आज आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते, मैं पढ़ा नहीं रहा होता, बस मैं भी अपना छाप रहा होता, आप भी छाप रहे होते। तो वैसे बस एनर्जी का भी है, अगर एनर्जी में ये प्रॉपर्टी ना होती कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट, तो सब कहानी खत्म हो गई होती, फिर से वही बात होती ना, मैं पढ़ा रहा होता ना आप पढ़ रहे होते। अगर एनर्जी खुद से हम क्रिएट कर सकते, खाने की जरूरत नहीं होती, बहुत सारी चीजें स्टोरीज हैं, राइट? तो एसेंस कहाँ पे है उसका, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, राइट? इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर और इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनादर। जैसे एक बैंक ही, एक ही बैंक अगर यूनिवर्स में, पूरे दुनिया वर्ल्ड में एक ही बैंक है, तो टोटल मनी ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इट ओनली चेंजेस फ्रॉम अ पर्सन वन अकाउंट टू पर्सन अनादर अकाउंट और वन पर्सन टू अनादर, राइट? यस सर। एनर्जी वर्ल्ड के बिना भी सारे काम हो रहे थे, जैसे मनी के बिना सारा काम हो रहा था, बैंक के बिना सारा काम हो रहा था, एनर्जी के बिना भी सारे काम हो रहे थे। वी आर एबल टू डू एक्सपेरिमेंट, वी आर एबल टू मूव द ऑब्जेक्ट्स बाय कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, कितने टाइम में कितना एक्सेलरेशन, कितनी स्पीड, क्या डिस्टेंस, सब पता था हमको। बट ये आने से कुछ चीजें आसान हो गई जो आपको फ्यूचर में समझ में आएगी जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, राइट? इट्स ईजी टू मतलब बिल्ड मशीन एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर विद द हेल्प ऑफ दिस, मेनी थिंग्स बिकम ईजी, राइट? शॉपिंग करने आपको ही जाना था, पहले भी आदमी ही जाता था शॉपिंग करने, बट पहले पैसे लेके नहीं आता था, राइट? आई डोंट नो व्हाट वाज द एक्सचेंज, मतलब हर जगह पे अपना एक्सचेंज का रूल था, बट पैसे आ जाने से, वो दैट मनी, वो वर्ड आ जाने से चीजें थोड़ी आसान हो गई, बस वही एनर्जी भी वैसे कुछ। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। टू ऐड टू दिस आई से एनर्जी इज, कहाँ पे लिख दो, हाँ, टू ऐड टू दिस आई से एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता, एंड यूनिट बोलो, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, एंड इट्स एसआई यूनिट इज एनर्जी, क्या हो गया, क्या बोल रहा हूँ, जूल। एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल, अदर यूनिट्स हैं अर्ग, न्यूटन मीटर और भी कुछ यूनिट्स आते रहेंगे, राइट? सेना? यस सर। तो ये हो गया एनर्जी की कहानी, ओके। अब जैसे आदमी के अलग अलग एनर्जी अकाउंट, मनी अकाउंट्स होते हैं, वैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट के अलग अलग टाइप के एनर्जी अकाउंट्स होते हैं। तो बहुत सारे टाइप के एनर्जी अकाउंट्स होते हैं, उनमें से मतलब सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म जो इस चैप्टर में हमने पढ़ने वाले हैं वो है मैकेनिकल एनर्जी,
मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के भी दो फॉर्म्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस देयर इज वन मोर फॉर्म व्हिच इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. नहीं तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दीज आर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. नहीं जैसे आपके बहुत सारे अकाउंट होते हैं, एक बिजनेसमैन है उसका सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, उसका करंट अकाउंट भी हो सकता है. नहीं वैसे ही एनर्जी है, ऑब्जेक्ट के बहुत सारे एनर्जी अकाउंट्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज यू माइट हैव हर्ड. राइट तो ऑब्जेक्ट के लिए स्टोर्ड फॉर्म अगर बोलूं मैं तो थर्मल एनर्जी है, देन पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, मास एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है. तो बहुत सारे फॉर्म्स की एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, उनमें से सब तो हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले, विल स्टडी ओनली मैकेनिकल एनर्जी. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी मैकेनिकल एनर्जी. इन मैकेनिकल एनर्जी में भी दो टाइप है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस दीज टू फॉर्म्स ओनली विल स्टडी इन दिस चैप्टर. राइट बाकी जब जो जैसा चैप्टर आएगा वैसा पढ़ते रहेंगे. सो लेट्स बिगिन विद काइनेटिक एनर्जी. फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर डील्स विद काइनेटिक एनर्जी. सो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ जाऊं, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी पजस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. काइनेटिक एनर्जी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी पजस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. तो ऐसा लिखूंगा मैं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज फॉर्म ऑफ energy possessed by virtue motion. Kinetic energy is what? Kinetic energy is form of energy possessed by virtue of motion. Right? If any object has some mass and